मुजफ्फरनगर के कलेक्ट्रेट पोजीशन में पिछले 14 दिनों से अनिश्चितकालीन धरने पर बैठे भाकियू और राजनैतिक के कार्यकर्ता और पदाधिकारी ने सरकार के खिलाफ नगर क्षेत्र में पैदल मार्च निकालकर गन्ने की होली जलाई। 14 दिनों से धरना प्रदर्शन कर रहे भाकियू और राजनैतिक कार्यकर्ताओं ने नगर क्षेत्र के मुख्य मार्गों से होकर पैदल गन्ना तिरंगा यात्रा निकाली, सरकार को जगाने की कोशिश की। इस दौरान भारतीय किसान यूनियन राजनैतिक के राष्ट्रीय प्रवक्ता धर्मेंद्र मलिक ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि 14 दिन से सर्दी के मौसम में रात दिन धरने पर बैठे हैं, लेकिन सरकार कुंभकर्णीय नींद सोई है। उन्होंने कहा कि यदि सरकार ने जल्द ही भाव की घोषणा नहीं की तो इलाहाबाद में होने वाले राष्ट्रीय अधिवेशन में बड़ा निर्णय लिया जाएगा। उन्होंने कहा कि पिछले वर्ष चीनी का भाव 32 रुपए किलो था, इस बार 42 रुपए किलो है और सिरे का रेट 250 रुपए प्रति क्विंटल था और इस बार 1300 रुपए क्विंटल है। उन्होंने कहा कि हर चीज में वृद्धि हो रही है। 2 साल से भाजपा की सरकार में गन्ना मूल्य नहीं बढ़ा और किसान को कोई सब्सिडी भी नहीं मिली। गन्ना मूल्य नहीं बढ़ा सकते तो 50 रुपए प्रति क्विंटल की सब्सिडी दे सरकार। यूनियन ने मांग की है कि किसानों को 450 रुपए का भाव मिलना चाहिए। 17 जनवरी को भारतीय किसान यूनियन राजनैतिक पूरे प्रदेश में जिला मुख्यालय पर प्रदर्शन करेगी। होता है कि जो धरने प्रदर्शन होते हैं उसकी सूचना लखनऊ तक दे। हमारा प्रशासन जो है जिला मैसेंजर का काम करता है, लेकिन हमें ऐसा लगता है कि बीच की भूमिका प्रशासन उचित नहीं निभा पा रहा। तो आज हमने एक मैसेज देने के लिए गन्ना तिरंगा मार्च निकाला है, जो शहर में महावीर चौक होते हुए मीनाक्षी चौक, शिव चौक और झांसी की रानी से कचहरी में समाप्त हुआ है। हमारा यही मकसद है कि सरकार गन्ने का मूल्य बढ़ाए। क्यों बढ़ाए ये भी मैं आपको बता देता हूँ। पिछली बार चीनी का रेट 32 रुपये किलो था, इस बार 42 रुपये किलो है। पिछली बार सिरे का रेट 250 रुपये कुंटल था, इस बार 1300 रुपये कुंटल है। खोई के रेट 250 से 300 पहुँच गए। मल्ली के रेट 50 रुपये कुंटल है। तो हर चीज़ में वृद्धि हो रही है। 2 साल से गन्ना मूल्य नहीं बढ़ा तो किसान को कोई सब्सिडी तो देते नहीं, और अगर गन्ना मूल्य नहीं बढ़ाते तो आप 50 रुपये कुंटल की सब्सिडी दो। 450 रुपये के गन्ना किसान को मिलना चाहिए। तो सरकार को चेताने के लिए मार्च निकाला है, और हमने आज यहाँ से घोषणा भी की है कि 17 जनवरी को पूरे प्रदेश में भारतीय किसान यूनियन राजनीतिक जिला मुख्यालयों पर प्रदर्शन करेगी। देखो ये सरकार के लिए संदेश है। किसान को अन्नदाता कहा जाता है, फसलें पूरे देश को फीड करती हैं, भोजन देती हैं, और किसान आप किसान के घर का भोजन करते हैं तो आपको एक बार किसान का शुक्रिया जरूर बोलना चाहिए। पैसे मिल सकते हैं, लेकिन रात में 0 डिग्री में जब पानी चलाना पड़ता है खेत में, ऐसा काम करने के लिए कोई 5000 रुपये रात भी तैयार नहीं होगा उद्योगपति। तो हमारा यही संदेश है। अरे भाई क्या हो रहा, हमारा यही संदेश है कि आप जो है गन्ने का मूल्य घोषित करें। जी अध्यक्ष जी, आज क्या नाम है गन्ने की होली जलाए, क्या कारण है गन्ने की होली जलाने का? गन्ने का देखो सीजन आधे से ज्यादा जा लिया, पेड़ी सब चली गई, अब तक हमें ये नहीं पता कि हमारी फसल किस रेट में जा रही। जो गुड़ बना रहे 3500 रुपये कुंटल बेच रहे, वो तो दे रहे 450 से 500 का रेट, और जो 45 रुपये चीनी बेच रहे और गन्ने की राख से पोटास बना रहे, उससे सिरे से दारू और एथनॉल बना रहे और उसकी खोई और मैली से गैस बना रहे, अगर 600 रुपये का भाव भी ये लोग दें, लेकिन नहीं, सरकार गूंगी भारी है, बिल्कुल सुनने का वो नहीं। इन्हें तो पहले भी क्या हुआ यहाँ से, जो पहले बाहर से आक्रमण हुए इन लोगों ने, यहाँ देश में गुलामी क्यों हुई, इन्होंने मंदिरों पर मस्जिदों पर लोगों को आपस में भिड़ा लड़ा का नाश करा इसका देश का। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा, जो हमारे औलाद की बराबर है फसल, उसे हमें जलानी पड़ रही। हम अपनी भी आहुति दे देंगे, अपनी भी होली जला लेंगे अगर हमें जलानी पड़ी किसानों के लिए, लेकिन पीछे बिल्कुल नहीं हटा जाएगा। जब तक गन्ने का 450 रुपये रेट घोषित नहीं होता तब तक यहाँ से नहीं जाएंगे, और आज से क्रांति की शुरुआत होगी। अब आगे जो ये निर्णय किसान यहाँ पर आ रहे, जो आज ये निर्णय लेंगे, हम इनकी साथ हैं हर निर्णय में। जिस तरीके से भी ये क्रांति का आगाज करना चाहेंगे, हम उसमें अपनी आहुति देने के लिए तैयार है बिल्कुल। 14 दिन से धरने में बैठे हैं, दिन रात यहाँ जमे हैं कलेक्ट्रेट में, आज पैदल मार्च निकाला जी, क्या संदेश देना चाह रहे हैं? हम संदेश ये देना चाह रहे हैं कि सरकार के कानों में जो घूघ अड़ रहा है वहाँ तक हमारी आवाज़ नहीं पहुँच रही। जो हमारे भाई हैं शहर के, गाँव के, कम से कम अपनी इनके द्वारा हम वहाँ तक आवाज़ पहुँचा दें, इन्हें कुछ जाग जाएं, इसलिए हमने यात्रा निकाल ली और फिर यहाँ पर गन्ने की होली फूंकी। हर न्यूज अपडेट के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए लिंक से ज्वाइन करें रॉयल बुलेटिन का व्हाट्सएप ग्रुप और पाएं हर खबर सबसे पहले अपने व्हाट्सएप पर।
अपने आसपास की खबरों के लिए सब्सक्राइब करें रॉयल बुलेटिन और इस वीडियो पर कमेंट के जरिए अपनी राय देना ना भूलें।